हिंदुस्तान में ज्यादातर रिश्ते तो उधार वापस ना करने की वजह से ही टूट जाते हैं। एक भारतीय सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन घर पे उल्टी चप्पल, एक बार सर टकराना, खाली कैंची चलाना नहीं सहन कर सकता। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जिस दिन टिकट नहीं लेता कमबख्त उसी दिन पकड़ा जाता है। जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वह किसी का नहीं होता। गली से आवाजाही 350 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए, बाहर निकल के देखा तो उल्लू का पट्टा कुर्सी बेच रहा था। आज धर्म पत्नी ने बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था, मैंने हिम्मत करके पूछा तो वह गुस्से से बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताइए, वह कौन सी चीज है जो हमेशा अलग रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक गुम जाए तो दूसरा किसी काम का नहीं रहता है। चलो दिमाग लगाओ और कमेंट करके बताओ। फिजिक्स के अनुसार किसी चीज को उठाने से ज्यादा सरकाना आसान होता है, जैसे कि जिम्मेदारी। किसी गांव में एक मास्टर जी जनगणना का सर्वे करते करते थक गए और एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगे। तभी उन्होंने एक बच्चे को खेलते देखा और उससे बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो मास्टर, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भाग के गया और लस्सी ले आया। मास्टर जी ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता? बच्चा, पीते तो सब है, लेकिन आज लस्सी में छिपकली गिर गई थी और उसी में मर गई थी। मास्टर ने गुस्से में लोटा जमीन पे दे मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट क्या लेके जाएंगे? अब मास्टर जी बेहोश पड़े हैं।